स्टूडेंट्स प्रीवियस टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया था वो था अब उन फॉर्मूले को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं किस किस टाइप के हमें क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे हमें उन फॉर्मुला को अप्लाई करना है तो आज की वीडियो के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और कुछ एनसीआरटी के भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास प्रूव दैट थ्री साइन पाइव बाई सिक्स डॉट सेक पाव बाय थ्री माइनस फोर टाइम्स साइन फाइव पाइव बाई सिक्स डॉट कोट पाई बाई फोर इक्वल टू वन आपके पास सिंपली कोई आइडेंटिटीज दी है दैट इज इक्वल टू वन आपको प्रूफ करके लेके आनी है सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इसकी वैल्यू का भी पता है आपको इसकी वैल्यू का पता है और कोट पाई बाय फोर का भी पता है बट यहाँ पर एक साइन फाइव पाई बाय सिक्स लिखा हुआ है जिसकी आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता लगा सकते इट मीन्स आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा तो पहले इसको रफली सोल्व कर लेते हैं साइन फाइव पाई बाई सिक्स को क्लियर है कैसे योग्य साइन पाई माइनस पाइवा सिक्स क्लियर है पाई पे चेंज नहीं होता साइन आपका साइन रहता है और पाई बाई सिक्स आपका पाई बाई सिक्स रहता है क्लियर है पाई माइनस थेटा जो है वो सेकेंड क्वार सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन पाइव बाई सिक्स की वैल्यू वन बाई टू होती है इट मीन्स हम इसकी वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं वन बाई टू क्लियर है तो आइए एल एच एस लेके चलते हैं मेरे पास एल एच एस लिखा हुआ है थ्री साइन पाइ बाई सिक्स डॉट सेक बाई थ्री माइनस फोर टाइम्स साइन कन्वर्ट करके लिख सकते हो पाई बाय सिक्स डॉट कोट पाई बाई फोर क्लियर है थ्री इज साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है वन बाई टू सेक पाए बाई थ्री की वैल्यू होती है टू फोर इज साइन पाई बाई सिक्स होता है वन बाई टू कोट पाई बाई फोर होता है वन टू से आपका टू खत्म इससे आपका ये वाला फोर पे काटोगे तो टू बचेगा यहाँ पे बचा थ्री यहाँ पे बचा टू तीन में से दो माइनस करोगे तो आएगा वन यही आपको प्रूफ करना है क्लियर है सिंपल क्वेश्चन है बहुत सेकंड क्वेश्चन है प्रूफ दैट टू साइन स्क्वायर फाइव बाई स स्क्वायर फाइव बाई थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री बाय टू आपको प्रूफ करना है कि ये थ्री बाई टू के इक्वल है सबसे पहले बात करते हैं आपको देखिए इसकी वैल्यू का भी पता है डायरेक्ट आपको इसकी वैल्यू का भी पता है बट कौशिक्ड सेवन पाई बाई सिक्स का डायरेक्ट नहीं पता लगा सकते तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल एच एस उठाते हैं ये है टू साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कोशिकेंड स्क्वायर सेवन पाई बाई सिक्स डॉट को स्क्वायर पाई बाई थ्री मैंने एल एच एस को उठाया क्लियर है इसके बाद क्या करते हैं टू साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स को एडिटीज रख लेते हैं फिलहाल इसके पास चलते हैं ये है सेवन पाई बाई सिक्स जिसको लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बाई सिक्स स्क्वायर अपनी जगह है स्क्वायर पाई बाई थ्री क्लियर है टू एजिटिज साइन पाई बाई सिक्स होता है साइन थर्टी और साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई टू आफ्टर स्क्वायरिंग हो गया वन बाई फोर प्लस पाई पे चेंज नहीं होता कोशिकेंट आपका कोशिकेंट रहता है पाई बाय सिक्स आपका पाई बाय सिक्स रहेगा लेकिन पाई प्लस जो थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है थर्ड में कोसेक नेगेटिव होता है क्लियर है स्क्वायर अपनी जगह है कोस सिक्सटी कोस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू होती है आफ्टर स्क्वेयरिंग इट विल बी वन बाई फोर। क्लियर है आगे चलते हैं टू टू जो फोर यहाँ बचा वन बाई टू। क्वेशन थर्टी क्वेश्डन थर्टी होता है साइन थर्टी का रेसीप्रोकल साइन थर्टी होता है वन टू वन टू का स्केर हो गया फोर नेगेटिव का स्केर हो गया पॉजिटिव यहाँ बचा फोर यहाँ बचा वन बाई फोर इस फोर से फोर कट गया वन बचा क्लियर है आगे चलते हैं वन बाई टू प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री बाई टू यही आपको प्रूफ करना है क्लियर है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं प्रूफ दैट कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कोस फाइव बाई टू प्लस एक्स आपको इसे प्रूफ करना है कोट स्क्वायर एक्स सबसे पहले एल एच एस लेके चलते हैं एल एच एस क्या कहता है सुनना कोस पाई प्लस एक्स डॉट में कोस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाय टू प्लस एक्स कोस पाई प्लस एक्स आइए सबसे पहले इसी को देखते हैं पाई का मतलब होता है नो चेंज कौस आपका कोश रहेगा एक्स आपका एक्स रहेगा बट पाई प्लस जो थीटा होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो ये बन गया माइनस कॉस एक्स कॉस माइनस एक्स आपको पता है किसी भी एंगल में अगर नेगेटिव और बाहर कोस लिखा हो तो वह पॉजिटिव बन जाता है वो खाली कॉस एक्स बन जाता है डिवाइडेड बाय पाई पे चेंज नहीं होता है साइन आपका साइन रहता है एक्स आपका एक्स रहेगा लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में जिसकी वजह से ये पॉजिटिव रहता है नाइन्टी मीन्स चेंज होना कोस बन जाता है साइन बन जाता है एक्स आपका एक्स रहता है नाइनटी प्लस एक्स सेकेंड क्वारेंट में होता है सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है तो इसका नेगेटिव यहां पे लगा देते हैं क्लियर है इसको हटा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव से नेगेटिव खत्म ये बन गया को स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जिसे लिखा जा सकता है कोट स्क्वायर एक्स क्लियर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है

B प्लस डी का भी जो सम होगा वो पाई होगा क्योंकि मान लेते हैं ये कोई सर्कल है इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ये ए बी सी डी है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ए का सी के साथ डी का बी के साथ अब इसको लिखा क्या जा सकता है यदि मैं आपसे सी की वैल्यू पूछूं तो आप लिख सकते हो पाई माइनस ए इसके अंदर डी को क्या लिख सकते हो पाई माइनस बी क्लियर है आइए फिर क्या करते हैं हमें प्रूफ करना था कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोश डी इक्वल टू जीरो एल एच एस उठाते हैं कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी कोस ए को कोस ए रहने देते हैं कोस बी को कोस बी रहने देते हैं जो कोस सी लिखा हुआ है सी को हटाकर पाई माइनस ए लिख दिया जाता है सेम डी को हटाकर पाई माइनस बी लिख सकते हैं देन कोस आपका कॉस ए रहेगा कोस बी भी कॉस बी रहेगा पाई पे चेंज नहीं होता कोस आपका कॉस रहता है ए आपका ए रहता है बट पाई माइनस कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है सेम इसमें भी कॉस बी रहेगा ये भी नेगेटिव हो गया क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉस ए से कॉस ए खत्म कोस बी से कोस बी खत्म आपके पास सब कुछ कैंसिल हो गया तो आपके पास जो बचा वो जीरो बचा दैट इज इक्वल टू आर एच एस क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ शो दैट कोट पाई बाई फोर प्लस एक्स डोट कोट पाई बाई फोर माइनस एक्स आपको वन के इक्वल लेके आना है सबसे पहले एल एच एस उठा के चलते हैं एल एच एस मेरे सामने है कोट पाई बाई फोर प्लस एक्स कोट पाई बाय फोर माइनस एक्स क्लियर है इसको लिखा जा सकता है कोस पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन में साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स क्योंकि कोट थीटा होता है कोस बाय साइन सिमिलरली ये है इसको भी लिखा जा सकता है कोस पाई बाय फोर माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स ओके कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्लियर है आगे देखते हैं कोस पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई रूट टू होते हैं आफ्टर स्क्वायरिंग इट विल बी वन बाई टू माइनस साइन स्क्वायेर एक्स डिवाइडेड बाई ये भी वन बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स सेम ट्रम ऊपर है वही ट्रम नीचे है इट मीन्स दैट इज इक्वल टू वन इक्वल टू आर एच एस कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी जो होता है वो होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ठीक है नीचे वाले में लगा है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का देड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्रूव दैट कॉस नाइन एक्स माइनस कॉस फाइव एक्स अपॉन साइन सेवनटीन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स सबसे पहले एल एच एस उठाते हैं यह है कोस नाइन एक्स माइनस कोस फाइव एक्स डिवाइडेड बाय साइन सेवनटीन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स ओके कोस ए माइनस कोस बी आइडेंटिटी लिखते हैं ताकि हमें यूज करने में दिक्कत ना हो कोस ए माइनस कोस बी ये होता है माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू नीचे है साइन ए माइनस साइन बी दैट इज इक्वल टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाय टू क्लियर है अप्लाई करते हैं कौसे माइनस कॉस भी होता है माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू मीन्स नाइन एक्स प्लस में फाइव एक्स अपॉन में टू देन साइन ए माइनस बी नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन में टू डिवाइडेड बाई टू कॉस इन दोनों का सम दैट इज सेवनटीन एक्स प्लस में थ्री एक्स अपॉन में टू साइन माइनस सेवनटीन एक्स माइनस में थ्री एक्स अपॉन में टू आगे चलते हैं टू से आपका टू खत्म माइनस एजटिज साइन एजट इज नाइन प्लस फाइव फोर्टीन अपॉन में टू करेंगे तो सेवन एक्स साइन नाइन माइनस फाइव फोर अपॉन में टू करेंगे तो टू एक्स सेवेंटीन प्लस थ्री ट्वेंटी अपॉर्नमेंट टू किया टेन फोर्टीन अपॉनमेंट टू किया टू एक्स डिवाइडेड बाई कोस टेन एक्स यही रिलेशन आपको प्रूव करके लेके आना था क्लियर है आगे चलें एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रूव दैट कोट फोर एक्स ब्रैकेट में साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इधर लिखा हुआ है कोट एक्स साइन फाइव एक्स माइनस साइन थ्री एक्स इसके ये वाली चीज़ इक्वल लेके आनी है सबसे पहली बात यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है साइन ए प्लस साइन बी हमें पता है साइन ए प्लस जो साइन बी होती है दट इज़ टू साइन ए प्लस बी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू राइट अप्लाई करते हैं एल एच एस लेके चल रहे हैं कोट फोर एक्स को लिखा जा सकता है कोस फोर एक्स अपॉन में साइन फोर एक्स ओके साइन ए प्लस साइन बी दैट इज टू साइन यही जो हम आइडेंटिटी यहां पे लिख चुके हैं ए प्लस बी बाई टू फाइव एक्स प्लस में थ्री एक्स अपॉन में टू कोस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन में टू क्लियर है आगे चलें देखिए फिर क्या करते हैं कॉस फोर एक्स डिवाइडेड बाई साइन फोर एक्स आपका सेम है टू भी सेम है ये हो गया साइन पाँच और तीन आठ और दो से डिवाइड करने पर भी फोर एक्स बन जाता है यहाँ बन जाता है ओनली एक्स साइन फोर एक्स से साइन फोर एक्स खत्म क्लियर है आगे देखते हैं टू कोस फोर एक्स कोस एक्स टू कोस ए कोस बी बट हमें जो राइट right साइड था वो प्रूव करना है विद इन नेगेटिव टर्म्स एक काम करते हैं और बाहर हमें कोटेक्स भी लेके आना है एक काम करते हैं इसको साइन एक्स से डिवाइड कर लेते हैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये क्या बन गया कोटेक्स क्लियर है क्या बचा टू कोस फोर एक्स डोट में साइन एक्स एक आइडेंटिटी होती है टू को से साइन बी की दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अप्लाई करते हैं कोटेक्स आपका कोटेक्स ही है टू को से साइन बी साइन ए प्लस बी फोर एक्स में एक्स जोड़ोगे तो फाइव एक्स आएगा माइनस साइन ए माइनस बी और आएगा थ्री एक्स क्योंकि चार में से एक घटाएंगे तो यही आपको प्रूफ करना है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस फोर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एच एस लेके चलते हैं ये लिखा हुआ है कॉस जिसको लिखा जा सकता है कॉस टू टाइम्स टू एक्स एक आइडेंटिटी होती है कॉस टू ए की दैट इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए अप्लाई करते हैं यहां पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए ए हमारे पास टू एक्स है क्लियर है वन माइनस टू साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स और स्क्वायर अपनी जगह है वन माइनस दो का स्क्वायर चार चार के दो से मल्टीप्लाई पे एट आ गया और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स यही आपको प्रूव करना है क्लियर है एक और क्वेश्चन कर दें प्रूव दैट साइन टू एक्स प्लस में टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स इज इक्वल टू फोर को स्क्वायर एक्स डॉट साइन फोर एक्स काम क्या करते हैं इस वाली ट्रम को सबसे आगे लेके आते हैं एल एच एस उठाते हैं साथ साथ ये वाली ट्रम सबसे आगे लेके आ रहे हैं साइन सिक्स एक्स को मैं आगे ले आता हूँ ये साइन टू एक्स ही है प्लस ये वाली ट्रम यहाँ लिख देते हैं टू साइन फोर एक्स मीन्स जिनके कॉफिशेंट वन थे उनको एक तरफ किया है यहाँ आइडेंटिटी लग रही है साइन ए प्लस साइन बी की कौन सी आइडेंटिटी होती है टू साइन ए प्लस बी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू प्लस टू साइन फोर एक्स क्लियर है आगे चलें टू साइन ये हो गया फोर एक्स ये हो गया कोस छः में से दो माइनस करोगे तो फोर फोर अपन में टू किया तो टू, टू एक्स आया टू साइन फोर एक्स क्लियर है टू साइन फोर एक्स आपका कॉमन आ गया अंदर आ गया कोस टू एक्स प्लस वन आगे चलते हैं टू साइन फोर एक्स एट इट ईज कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कोस का स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस वन अपनी जगह है माइनस वन से प्लस वन खत्म मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया फोर कोस स्क्वायर एक्स डॉट साइन फोर एक्स दैट इज इक्वल टू आर एच एस क्लियर है एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन कोई भी थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन लेते हैं प्रूव दैट अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू कॉस फोर एक्स इज इक्वल टू टू कॉस एक्स सबसे पहले इसके पास चलते हैं ये लिखा हुआ है कॉस फोर एक्स जिसको लिखा जा सकता है कॉस टू टाइम्स टू एक्स और कॉर्स टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कोर्स का स्क्वायर थीटा माइनस वन समझ गए होंगे यहां पर थीटा टू एक्स था तभी मैंने यहां पर टू एक्स लिखा है आइए अप्लाई करते हैं एल लेके चलते हैं टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू जो कॉस फोर एक्स लिखा हुआ था इसकी जगह लिखा जा सकता है टू कोर्स का स्क्वायर टू एक्स माइनस वन क्लियर है रूट टू प्लस फिर रूट टू प्लस ब्रैकेट ओपन करते इसके इससे मल्टीप्लाई पे हुआ फोर कोस स्क्वायर टू एक्स माइनस टू क्लियर है इस टू से टू खत्म यहां बचा रूट के अंदर फोर कोस का स्क्वायर टू एक्स जब उसका रूट ओपन कर दोगे तो फोर का फिर टू बन जाएगा और उसका स्क्वायर हटके वापस वो टू एक्स बन जाएगा क्लियर है आगे देखते हैं टू प्लस टू अगेन कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं टू कोस का स्क्वायर एक्स माइनस वन क्लियर है इसके बाद यहां चलते हैं टू एज इज प्लस ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट टू फोर कोस का स्क्वायर एक्स माइनस टू टू से टू खत्म जो भी बचा है उसका रूट करने के बाद आता है टू कॉस एक्स यही आपको आर एच एस में लेके आना है क्लियर है स्टूडेंट्स ट्रिगोमेट्रिक के जो हम आइडेंटिटीज को या जो भी हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले पे डिपेंड है तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप फॉर्मूले को अच्छे से पढ़िए किस तरीके से यूज करना है वो आप देख चुके हो और फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू